हमीरपुर जिले के कद्दावर एवं ब्राह्मण नेताओं में बड़ा चेहरा रहे पूर्व सांसद राजनारायण बुधौलिया का आज सुबह निधन हो गया। इस खबर को सुनते ही राजनैतिक गलियारों सहित जिले में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों लोग पूर्व सांसद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े और जब 62 वर्षीय राजनारायण बुधौलिया का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकला तो कस्बे के प्रमुख रास्तों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूर्व सांसद जिले सहित आसपास के जनपदों में अच्छी खासी पहचान रखते थे, साथ ही उनके आवास में निरंतर लगने वाले जनता दरबार में लोगों को मिलने वाले न्याय के कारण उनकी अंतिम यात्रा में हर धर्म संप्रदाय जाति एवं राजनीतिक दलों के साथ ही प्रत्येक वर्ग की भीड़ उमड़ी थी। राजनारायण बुधौलिया ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले राजनीति की लंबी पारी खेली। वह हाथी पर सवार होकर विधायक भी रह चुके हैं और फिलहाल भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य थे, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बड़ी बात यह कि सांसद रहते उन्होंने जिस मोक्ष धाम को बनवाया था उसी मोक्ष धाम में आज उनकी अंतिम यात्रा पूरी हुई है। पूर्व सांसद राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज के निधन पर हमीरपुर के रहने वाले टीवी कलाकार हप्पू सिंह ने अपना शोक संदेश वीडियो के माध्यम से भेजा है। आप सभी लोगों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मुझे अभी पता चला कि हमारे राठ के हमारे आदरणीय चाचा जी राजनारायण बुधौलिया, हम जिन्हें प्यार से रज्जू महाराज रज्जू चाचा बोलते थे, अभी मेरे मौसा जी ने खबर दी कि उनका अकस्मात निधन हो गया। ये सुन के मुझे मतलब जस्ट अभी सीन करके ही आया और अभी बताया तो अकस्मात निधन हुआ है और बहुत दुख हुआ सुन के। और सभी लोगों को मैं यही सूचित करना चाह रहा था कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं राठ से इस लाइन के लिए एक्टिंग के लिए रंगमंच के लिए जब निकला और मेरा जब लाइफ का फर्स्ट एड मैंने किया था क्लोरमेंट का, तो उन्होंने ये एड देखा और बहुत मतलब हमेशा मुझे शुरू से ही प्रोत्साहित करते रहे। और उन्होंने घर भी बुलाया मुझे और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी तो दुकान चल जाएगी और तुम अच्छा काम करते रहोगे क्योंकि तुम यहाँ से गए हो और एक बहुत बड़ी बात है। और हमेशा उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और आज जब मौसा जी ने अभी जस्ट अभी बताया मुझे फ़ोन करके और मैं सीन में था तो मैं तो खुद चौंक गया कि मतलब बीच में अभी मैं अपने पापा जी की जब 13वीं में गया था तो उनसे मुलाकात भी हुई और स्पेशली वो काफ़ी देर तक बात करते रहे मुझसे, बैठे रहे और हमेशा जब जब मिलते थे हमेशा हौसला बढ़ाते थे। तो बस मैं यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ हैं खुश रहें। बस थैंक यू।